नेपाल में आए भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भूकंप कितना जोरदार था ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं। भूकंप के तेज झटके की वजह से नेपाल में कई मकान जमीन दोज हो गए, सड़कों में दरारें आ गई, लोग अपने घरों में ही दब गए। नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र ज्वाजरकोट के रमिडांडा था। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप के झटके आने के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि इलाके में कई घर अचानक ढह गए और सड़कों में दरारें आ गई। भूकंप के झटकों को दिल्ली और नेपाल के पड़ोसी राज्य बिहार में भी महसूस किया गया। नेपाल में आए भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।